हर चीज की एक कीमत होती है, आप यही कह रहे हैं? आपको हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, यह ऐसा है, अभी मेरा बायां पैर यहां है, मेरा दाहिना पैर यहां है। अगर मेरा दाहिना पैर यहां जाना चाहता है तो उसे उस जगह को खाली करना होगा, है ना? हाँ या ना? नहीं नहीं, मैं यहां भी रहना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां कदम रखना चाहता हूं, क्या यह संभव है? नहीं? तो अब अगर मैं इसे खुशी से करता हूं तो मुझे यह कीमत जैसा नहीं लगता। अगर मैं इसे दर्द के साथ करता हूं तो हर कदम कीमत जैसा लगता है ना? देखिए, अभी आम का मौसम है, मैं टोरंटो में कर क्या रहा हूं? साल में 3 महीने भारत में एक ही धर्म होता है जिसे आम कहते हैं, हम आमों में भीग जाते हैं। आम के मौसम में मैं टोरंटो में कर क्या रहा हूं, ये कैसी कीमत है? Anything that you do willingly, you will not pay as a price. Anything that you do unwillingly is a price. आप जो कुछ भी अपनी इच्छा से करते हैं, आपको वो एक कीमत जैसा नहीं लगता। जो भी आप अपनी इच्छा से नहीं करते, वो एक कीमत है ना? तो ये आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं या नहीं। आपके साथ जो भी आपकी इच्छा से होता है वो स्वर्ग जैसा लगता है, वही अगर आपके साथ आपकी अनिच्छा से हो तो नर्क जैसा होता है। हाँ, आपके पास ये विकल्प है, या तो आप हर सांस, अपने दिल की हर धड़कन को एक इच्छुक प्रक्रिया या एक अनिच्छुक प्रक्रिया बना लें। अगर आप इसे अनिच्छुक बनाते हैं तो सब कुछ भुगतान होगा, यदि आप इसे इच्छुक बनाते हैं तो सब कुछ शानदार होगा। तो कीमत के बारे में मत सोचिए, कोई कीमत नहीं है। इस जीवन में कीमत चुकाने का समय नहीं है, क्योंकि जीवन समय और ऊर्जा की एक तरह की व्यवस्था है। ऊर्जा को आप मैनेज कर सकते हैं, समय निकल रहा है ना? आपको यह पसंद है या नहीं? आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, यह बीता जा रहा है ना? ऊर्जा को आप बचा सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, आप अगले पल और फुर्तीले बन सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, आप ऊर्जा के साथ खेल सकते हैं, पर समय बस निकला जा रहा है। मुड़कर देखने और कीमत चुकाने का समय नहीं है। आगे देखिए और जो कर सकते हैं कीजिए।